કચ્છના સરદાર પોસ્ટ પાસે બીએસએફ અને સીઆરપીએફના ઉચ્ચ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં શૌર્ય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। 1965 સરદાર પોસ્ટ યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા 6 સીઆરપીએફ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। સીઆરપીએફ વેસ્ટર્ન સેક્ટરના આઈજી પદ્માકર રાણપીશે અને સીઆરપીએફ ડીઆઈજી રામસિંગ, રેપિડ એક્શન ફોર્સના અધિકારીઓ તેમજ બીએસએફ ભુજના ડીઆઈજીની ઉપસ્થિતિમાં સન્માન સાથે શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરાઈ હતી। भारत पाकिस्तान वच्चे थयेला 1965 ना युद्ध वक्ते केन्द्रीय दल सीआरपीएफ ना मुठ्ठीभर पोलिस द्वारा दुश्मनोना 34 सैनिकों नो खात्मो करी देवायो हतो अने आ कच्छना रणनी सरदार पोस्ट चौकी ने बचाववामां आवी हती, जेमां 6 सीआरपीएफ जवानो शहीद थया हता। आज सीआरपीएफ की तरफ से हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज के दिन मुझे भुज में सरदार पोस्ट पर आने का मौका मिला और सीआरपीएफ के शहीदों को मैं श्रद्धांजलि दे पा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी दिन 1965 में सीआरपीएफ की दो कंपनी यहाँ डिप्लॉयड थी, सरदार पोस्ट और टाक पोस्ट पर। उस वक्त पाकिस्तान के एक ब्रिगेड ने उस दोनों पोस्ट पर हमला किया था और उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ब्रिगेड में करीबन 3000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और सीआरपीएफ की कंपनी में 200 के आसपास लोग थे, लेकिन ये 200 लोगों ने 3000 से ज़्यादा लोगों का बड़ा अच्छा मुकाबला किया और पाकिस्तानी ब्रिगेड को पीछे हटने को मजबूर किया।